और अब बात कर लेते हैं दिल्ली में गहराते जल संकट की। दिल्ली में पानी की बर्बादी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। पानी बर्बाद हो रहा है, कोई कदम आखिरकार क्यों नहीं उठाया गया? पानी की बर्बादी पर क्या किया गया, इस पर रिपोर्ट दे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिया है, टैंकर माफिया पर ना FIR हुई ना ही कोई एक्शन हुआ। तो दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से विरोध हो रहा है। दिल्ली सरकार इसमें राजनीति के आरोप लगा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सीधे तौर पर फटकार लगाते हुए टैंकर माफियाओं पर एक्शन क्या लिया गया, ये सवाल पूछा। दिल्ली में पानी की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक आई और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, किस तरीके से सख्त टिप्पणी की है, ये आपको बता देते हैं। दोनों का पक्ष आपके सामने रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया गलत बयानबाजी क्यों की जा रही है, तो उस पर सरकार का जो पक्ष है वो ये कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उसकी एक एक डिटेल आपके सामने है। टैंकर माफियाओं पर सरकार एक्शन नहीं ले रही है, ये सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की। उस पर सरकार का कहना है कि टैंकर माफिया के खिलाफ हमने सख्त कदम उठाए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कोर्ट में की ओर से कहा गया कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो जिम्मेदारी पुलिस को सौंप दीजिए। ऐसे में सरकार का इस पर यह रुख रहा कि पुलिस चाहे तो एक्शन ले, हमें खुशी होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि पानी की बर्बादी हो रही है और इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया, तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमने हर मुमकिन कदम उठाए हैं, कोर्ट चाहे तो अपनी तरफ से भी सुझाव इस पूरे मामले को लेकर दे सकती है। अब इसमें जरूरी क्या है, सुनवाई के दौरान 52.5% पानी की बर्बादी का जिक्र किया गया है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पानी की बर्बादी पर नाराजगी व्यक्त की है, नाराजगी जाहिर की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर दिल्ली जल संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पूरे मसले को लेकर सख्त टिप्पणी की गई। लेकिन इस बीच अब आपको दिल्ली में जल संकट से जुड़ी हुई तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। एक ओर लोग पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं, पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी और चाणक्यपुरी के संजय कैंप में टैंकर के सामने लंबी लंबी कतारी लोगों की आपको देखने को मिल रही है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि राजधानी में 52% पानी की बर्बादी हो रही है, तो इसका जिक्र विशेष तौर पर किया गया है कि पानी की बर्बादी हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट से इस बीच आपको बता दें जो बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में संजय कैंप में भी पानी की भारी किल्लत है। लोग टैंकर के इंतजार में यहाँ खड़े रहते हैं। यहाँ के लोगों की से बात की हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने। ये बताइए भाई साहब, पानी की क्या स्थिति है, दिक्कत हो रही है, कम आ रहा है पानी? टैंकर तो एक ही बार आ रहा है, अभी सुबह एक ही बार आ रहा है। बताया जा रहा था कि तीन बार आ रहा, तीन बार नहीं की जगह एक ही बार आ रहा है। तीन बार आ रहा है, एक बार टैंकर आता है दिन भरे में, वो भी पानी आधा मिलता है आधा नहीं मिलता है। तो यहाँ लाइन भी काफी ज्यादा लंबी लगती है, भीड़ होती है, बहुत बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। आप बताइए, अंदर टूटी बंद हो जाती तब आता है पानी, मतलब। अच्छा, कितनी बार टैंकर आ रहा है? टैंकर एक बार आता है, एक बार आता है, एक बार आता है, सुबह आता है। हाँ सुबह आता है, शाम के नहीं आता टैंकर, नहीं आ रहा। पानी बिल्कुल नलों में पानी आ रहा है कि नहीं? नले में वहाँ एक बोरिंग है, वहीं पानी आ रहा है, वहीं चलते रहते हैं। लाइट रहता तो चलता है, नहीं लाइट रहता तो नहीं चलता, वहाँ लड़ाई झगड़ा ऊपर से होता है, मारपीट। जाहिर तौर पर तो आप बताइए, देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका कहना है कि एक बार पानी का टैंकर आता है। दरअसल आतिशी जो कि जल मंत्री हैं, उन्होंने मंगलवार को एक वीडियो जारी करके कहा था कि हरियाणा को 1050 क्यूसेक पानी नहीं छोड़ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल हुआ उसमें ये साफ पता चलता है कि 23 मई से पानी छोड़ने में लगातार हरियाणा की तरफ से कमी आ रही है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इसी वजह से लोगों को हो रही है। तो किस तरीके से टैंकर्स के आगे लोगों की लंबी कतार नजर आ रही है हमने आपको दिखाया, और दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का इस वक्त यही हाल है। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो क्या हुआ, जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ही रुख करेंगे। हमारे संवाददाता पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़ गए, उसके अलावा दिल्ली के चाणक्यपुरी का भी रुख करेंगे, वहां पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले पीयूष आपसे ये समझना चाहूंगी कि दिल्ली जल संकट का ये जो मामला है जिस पर कुल मिलाकर लगातार लंबे समय से विवाद चल रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली टिप्पणी में साफ किया था कि क्या करने की जरूरत है, लेकिन बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट ये बड़ी बात कह रहा है कि पानी की बर्बादी हो रही है, तो उस पर सरकार का क्या रुख रहा और कोर्ट की और क्या कुछ विशेष टिप्पणियां इस पर? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इसमें दिल्ली सरकार से यह कहा है कि आपकी ओर से जो कदम उठाए गए हैं वो आप हमें लिखित रूप में हलफनामे में दें, और आज या कल तक उन्हें यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश करना है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के नाराज था कि 52.5 क्यूसेक जो पानी है
वो लगातार बर्बाद हो रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर आप पानी बाहर से मांगने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पानी बचाने के भी उपाय सुझाएंगे। और दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि हमारी तरफ से कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस पर सुझाव दे सकता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपसे नहीं बनता है तो ये जिम्मेदारी हम पुलिस को सौंपेंगे। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि वो स्पष्ट तौर पर हलफनामा दाखिल करेंगे और उम्मीद करते हैं कि उस हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है। अब देखना यह है कि दिल्ली सरकार की ओर से जब कल इस मामले पर हलफनामा दाखिल किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। चूंकि दिल्ली सरकार की ओर से ये याचिका जीवन के अधिकार के आधार पर दाखिल की गई है, क्योंकि पानी जीवन के लिए सबसे जरूरी है। और इसमें विवाद ये है कि हरियाणा की ओर से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है जबकि हिमाचल तैयार है। और आज भी हिमाचल सरकार की ओर से साफ किया गया कि उसके पास अतिरिक्त पानी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि अगर आपके पास अतिरिक्त पानी है तो आखिर आप क्यों नहीं मुहैया करा रहे हैं, अगर ऐसा है तो यह अदालत की अवमानना है। लेकिन इस मामले में हरियाणा की भूमिका को लेकर के कहीं ना कहीं दिल्ली की ओर से लगातार संशय जताया जा रहा है। अब देखना यह है कि कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है जब दिल्ली सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल किया जाएगा। नजर बनाए रखें, आप इसे अपडेट इस पूरे मुद्दे पर हम लेते भी रहेंगे।